तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर इसमें इकाई का अंक पूछा है, फैक्टोरियल में वैल्यू दिया है। देखिए निकालने का आसान ट्रिक मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 × 1 यानी 2 होता है, और फैक्टोरियल 3 का मान 3 × 2 यानी 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 4 × 6 यानी 24 होता है, और फैक्टोरियल 5 का मान 5 × 24 = 120 होता है। यानी फैक्टोरियल 5 से आगे जितनी संख्या आएगी उसमें 0 होगा, और जब इकाई का अंक की बात होता है तो इसमें 0 का कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा कि 120 यानी आगे जितना होगा 0 होगा, फैक्टोरियल 6 का मान 720 आगे 0 होगा, 24 और 6 = 30 ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो 2 और 1 क्या होगा 3, इसके आंसर 3 होगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा ये सब 0 हो जाएगा, और इसका मान 24 इसका मान 6, 24 6 = 30 ये भी 0 हो गया, तो इसका 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन समझने के लिए और भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू।